Hi guys, it's time for Boosting Happiness! As you all know, UK में काफी time हो गया, तो हम यहाँ के काफी festivals celebrate करते हैं। यहाँ के बहुत जो major festivals हैं, वो around Christmas time आते हैं। तो अभी आने वाला है Halloween। वो Halloween हमने last time भी हमने celebrate किया था, पर हमने decorations नहीं करी थी। क्योंकि हम बाहर थे Halloween के time। हाँ, तो उस दिन बाहर गए थे। But इस बार हम decorations भी करेंगे and शायद बाहर भी होंगे। So धीरे-धीरे हम every year improve कर रहे हैं। Every year improve करो और every year हम UK के उस festival की फिर चीजें ले रहे हैं। Like हमने last year and last to last year Christmas का लिया था, लास्ट टाइम हमने थोड़े और बॉबल्स खरीदे क्रिसमस ट्री के लिए, तो ऐसे एवरी और हम उस फेस्टिवल से रिलेटेड चीजें ले रहे हैं। और फिर नेबर्स को देख के भी यू लर्न, फ्रेंड्स को देख के, कलीग से भी पता चलता है क्या क्या करना है। तो इस टाइम पे काफी घरों ने अपने हैलोवीन डेकोरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, तो अब हमारा भी टाइम आ गया, हमें भी करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज ओनली वन वीक लेफ्ट। तो हमें आज स्टार्ट करना। और अगर हम बाहर निकले और टाइम मिला तो हम आपको दिखाएंगे बाकियों ने भी अपने घरों के बाहर क्या क्या किया। काफी इंटरेस्टिंग चीजें करते हैं लोग अपने। अगर किसी को देखना तो हमारे लास्ट ईयर वाला हैलोवीन ब्लॉग है, उसमें भी बहुत कुछ है, इस वाले में भी हम ट्राई करेंगे। हाँ, तो लोग बहुत एक्स्ट्रावेगेंट भी करते हैं, कुछ लोग बहुत सिंपल भी करते हैं। तो हम कुछ लोगों के तो भूत लटकते हैं घर के ऊपर से, बड़े बड़े भूत। मैंने यूएस में देखे थे, यूएस में तो इतने ज्यादा मतलब पूरा घर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरा कोई यूनिवर्सल स्टूडियो का सेट बनाया हुआ है, इतना ज्यादा करते हैं। क्योंकि यूएस से ही स्टार्ट हुआ है ना हैलोवीन, बहुत सीरियसली करते हैं। यूके का है नहीं हैलोवीन, बट यहाँ पे मनाने लग गए। यूके में एक्चुअली 5th of November मनाते थे, क्योंकि वो एक बहुत हिस्ट्री है, मैं बताऊंगी कभी। तो वो 5th of November और हैलोवीन दोनों स्टोरी टाइम। वो दोनों मिला दिया है सॉर्ट ऑफ, और इसलिए हैलोवीन पे, क्योंकि 31st को हैलोवीन, 31st और फिर 5th of November को रिमेम्बर 5th of November है, इसलिए वो मिक्स करके एक ही हो गया। So guys, ये रहा हमारा सारे डेकोरेशन। इस बार हम बहुत प्रिपेयर्ड आए हैं, बहुत कुछ खरीदा है हमने, चॉकलेट्स भी लिए हैं, चॉकलेट्स, और हमने थोड़ा थोड़ा खाना भी शुरू कर दिया क्योंकि हमसे रुका नहीं गया। पता है मुझे पता कैसे चला कि खुल गई है? कैसे? क्यों है ना, एक दिन तेरा ड्रॉअर साफ कर रहा था, उसके अंदर मुझे ना एक छुपी हुई दिखी, तो मुझे लगा ये कहाँ से आई है, बट जब भी लाती है तो मुझे बताती है। फिर मुझे दिखा यार वो ड्रॉअर में पड़ी, तो मुझे समझा अरे, मैंने नीचे जाके देखा इस पैकेट के अंदर, तो देखा वो खुला हुआ है, तो मैंने कहा अरे, तो मैंने भी एक खा ली थी। पागल, पता है क्या हुआ था, मैं ऊपर कपड़े चेंज कर रही थी, अच्छा, मैं खा के गई ऊपर, तो खाया ना, खोला ना, मुझे बताया नहीं था तूने ना, फिर ऊपर कपड़े चेंज करते करते मुझे लगा अभी डस्टबिन जब नीचे जाऊंगी तो फेंकूंगी, तब तक के लिए ड्रॉअर में रख। पता उसमें क्या है, उसमें ना आधी चॉकलेट पड़ी हुई थी, मैं आधी चॉकलेट खा गया था, तुझे पता नहीं चला, देखा मैं खा के गायब भी कर दी, इनको तो याद भी नहीं है। मुझे उससे भी मोटिवेशन मिली, चलो मैं भी एक नीचे जाके अपनी पसंद की निकालता हूं, इसको तो खोल दी। सो ये तो स्टीरियोटिपिकल आपका एक पंपकिन लाना ही है। तो हम ये लेके आए हैं, इसके अंदर लाइट जलती है बहुत अच्छी, वो मैं रख के दिखाऊंगी। एक्चुअली हमें, मैंने लास्ट ईयर सोचा था कि हमें पंपकिन कार्विंग के लिए जाना चाहिए, तो बड़ी फील्ड्स होती है वहाँ, पंपकिन होते हैं, और आप वहाँ अपना पंपकिन खरीदो और जो पंपकिन आप खरीद रहे हो उसी की कार्विंग ऐसे, मतलब आईज और नोज और लिप्स बना सकते हो। लास्ट टाइम हमने पंपकिन खरीदा था और फिर खाना हम दोनों को ही पड़ता है, इतने बड़े बड़े पंपकिन होते, तो इसमें मैंने सोचा वो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए बेटर है कि ये प्लास्टिक पंपकिन दो, रिसाइकल करेंगे एवरी ईयर। पंपकिन की मेरी स्टोरी है, मेरा सिंपल है, जब भी मुझे पंपकिन दिखता है मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी आ गई है सीताफल की सब्जी बनाने की। वही तो मैं मुझे बोल रही बहुत टेस्टी लगती लेकिन है, लेकिन बहुत ज्यादा हो गई थी लास्ट ईयर। हाँ वो तो है, तो मुझे ना बहुत मन करता है जैसे मुझे पंपकिन दिखता है मुझे लगता है सीताफल, हाँ सीताफल की सब्जी बनाएंगे। वो तो है, हाँ। सीताफल होती है, कद्दू होती है, कद्दू कद्दू होती है, ऑरेंज ऑरेंज वाली सीताफल कहते हैं, कद्दू कद्दू इज डिफरेंट, नहीं सीताफल कुछ और होता है ना, शायद मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ, पता नहीं, मैं बार बार कद्दू ना, मैंने कहीं भी पता नहीं यही सुना हुआ है सीताफल की, वही ऑरेंज वाली सब्जी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। एनीवे बना देंगे, चलो मुझे नहीं पता, हम तो कद्दू, चल लेट्स कंटिन्यू। ये कोई कमेंट्स में बताएगा कि कद्दू और सीताफल सेम होता है या वो जो ऑरेंज वाली सब्जी बनती है वो क्या होती है, कद्दू की सब्जी या सीताफल की सब्जी। चलो, तो ये ना मुझे याद आ रहा है, ये ना जब ये लेके आई ना, पता नहीं फॉर सम रीजन इसने क्यों गेस्ट बेडरूम के डोर के हैंडल पे लगाई हुई थी, पता नहीं क्यों, और बड़े दिन वो वहीं रही, तो रात को ना कभी कभी डर लगता था, सबसे पहले यही डरी थी, सबसे पहले यही डरी थी रात को, मैंने एकदम से ये एक्चुअली ये कॉर्प्स ब्राइड है, एक मरी हुई ब्राइड की हड्डियां, इसलिए उसका शादी का जोड़ा भी है, उसका देखना, उसका वेल है, उसका वेडिंग गाउन है, और फिर वो मर गई। ये एक ब्राइड है, ये एक लड़की की कहानी है जो अपने शादी वाले दिन मर गई थी। वाओ, इंडिया में कहेंगे क्या अपशगुन लगा के रखा हुआ है घर में। और एक इसकी क्रेजी चीज बताऊं,
ये बैठ जाती है वो बैठ भी जाती है इसका इसका एक वो भी था पति, वो मैंने छोड़ दिया। मैं कहता रहने रहने, मुझे लग रहा है इसका हस्बैंड भी ले लेना चाहिए था। बिठाइए जरा, वाह क्या लग रही है। और एक और चीज है, ये क्या, ये लगा के बताएंगे। आजा तुझे से लगाना पड़ेगा। हाँ So guys, हम ये क्लिप लगा रहे हैं, तो इसमें ऐसे केबल्स वगैरह या कुछ हैंग करना तो ऐसे लॉक हो जाता है। क्या लग रही है ना, अगले साल इसका वो भी ले आएंगे, हस्बैंड, इसका पति, इसका पति। फाइनल चीज, ये लास्ट इसके लिए स्पेस बनानी है। चल इसी खुशी में एक खा लेते हैं। गाइस हम जा रहे हैं हैलोवीन मेज के लिए, एंड अब यहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे अपने फ्रेंड्स के पास। मेरी फ्रेंड एक्चुअली अभिनवा अभिनवा मेरा प्लान था, बहुत ही सिंपल, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ओवर नहीं करने मेरा मेरा हाँ अभिनव का। फिर मेरी फ्रेंड ने बोला, नहीं मेरी फ्रेंड ने बोला हम सब तो कॉस्ट्यूम्स में आ रहे हैं फुल ऑन, तो उसने कहा कि यू ऑल्सो हैव टू वेयर अ कॉस्ट्यूम। तो फिर मैंने अभिनव को कहा चल ठीक है, सब कॉस्ट्यूम में आ रहे हैं तो हम भी अच्छे से पूरे गेटअप में जाएंगे। बट अब जब हम रेडी हो गए, मुझे लग रहा है हम सबसे ज्यादा ओवर अभी होंगे। OTT है ना, इसमें मेरे में तो बिल्कुल भी सटलिटी नहीं है, या तो एक एक्सट्रीम या दूसरे एक्सट्रीम। मैं ये पहन लूंगा फिर मैं भी सही लगूंगा। एक्चुअली मेज में मास्क अलाउड नहीं है। अरे मैं सब अलाउड है अंदर जाने। तो आज इज द रिचुअल, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं हमारे घर पे, एंड वो ऐसे तेज तेज चिल्ला चिल्ला के हैप्पी हैलोवीन करके आ रहे हैं, और सारे सब ऐसे झपट्टे मार रहे हैं स्वीट्स के लिए। सबको बस स्वीट्स खानी है सारी। Hi. Me. Thank you. No problem. Happy Halloween. See you. Oh wow. Hi. Happy Halloween. Thank you so much. Your costumes are awesome. Just heading out now. Great. Say bye. Bye. Say happy Halloween. Happy Halloween. Thank you so much, guys. Thank you. Bye. Cheers. Bye. सो हम कार में आ गए, एंड अब हम रेडी हैं ऑन आवर वे टू हमारे फ्रेंड्स। एंड पहले फिर से हम अपने फ्रेंड की यूनिट जाने, वहां से एक ही कार में आई थिंक वी विल ऑल गो टुगेदर। काफी फन होने वाला है, मुझे सब फील आ रही है। एंड ट्रिकिंग एंड ट्रीटिंग खत्म, सारे छोटे सारे लिटिल बेबीज आके ट्रिकिंग एंड ट्रीटिंग करके चले गए, और उनको कुछ पता नहीं है वो क्यों आए, क्या ट्रिकिंग एंड ट्रीटिंग। वो सीधा आके ऐसे ऐसे चॉकलेट्स ढूंढते हैं कहाँ आए, और ऐसे उठाते हैं और इतनी सारी उठा लेते हैं, फिर उनके पेरेंट्स अपोलोजाइज करते हैं ऑन देयर बिहाफ, आई एम सो सॉरी। अब एक की मम्मा ने उसके हाथ से स्वीट्स लेके वापस डाल दी उसमें,
क्योंकि उनको इतना एम्बैरेसमेंट हो गया कि ये क्या कर रहा है। तो असली मॉन्स्टर तो उसकी मम्मी बन गई। नहीं यार, वो तो उनको लाइक गुड मैनर्स सिखा रही थी, बट उसकी मम्मा इतनी एम्बैरेस हो गई, सारी टॉफीज उठाई उसके हाथ से, एक छोड़ी वापस डाल दी, फिर मैंने उसकी बास्केट में दोबारा डाल दी। ज़ॉम्बीज़ को भी पेट्रोल भरना तो कितना फनी लग रहा है। अच्छा अपना कॉस्ट्यूम तो दिखा। I've got like a half smile and a half scary face. I'm trying my best to be scary, but I'm just laughing. You look good. This is good. Yeah. I just told Nadia that she has to yell at you if you don't wear your costume, and she said, "Yes, I will." No, that's not what you said. Not feeling. Don't send it to anybody yet. Oh, I need to put this out there. No. Mask. This thing really hurts. Yeah. The mask. Many? Five. Move. Five. Can I get a how many? I am working. How many? Five. Move. Already. Goodbye. Move. Flipping, huh, man? They got to us. Those people still and five of you. Yeah. Oh, no, I don't want to go. Don't worry, this is the easy bit. Okay, so first away now, my darling. Oh. I can't be. What have you got, Abhinav? Biryani. Biryani. Vegan biryani. Vegan biryani. I've got chicken. Yeah. Aman, what have you He's got? He's got nothing for now. He's just waiting for his food. Aman's got some chili balls. Chili cheese balls. Chili balls. What's the I'm here enjoying some dal. Don't know which one it is. Moong dal. I'd call it yellow. Nadia? What have you got? She's got no chill. She's got no chill. Grab a tea. What's this one? So Nadia, what song would you like me to dedicate to you? Given the most difficult song. Huh? Given the most difficult song. Well, I need to know the lyrics, don't I? Like, bring them up on your phone. Aman. Rolik ji. Rolik ji. Aman. You have to sing. Teri meri teri pyar kahani hai mushkil do lafzon mein kahna hai. I don't even know the lyrics on it. Oh, you are.
तेरी मेरी तेरी कहानी है मुश्किल Nice. There you go, he's done his first one. Yay.